कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 26 व 27। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्रायः सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ दान व्रत तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके सामिप्य की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनो। ब्राह्मण पहले कांचीपुरी में चोला नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहां जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निंद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। ये देख करके राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ, ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की बात सुनकर के द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है? तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया, ना पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना गर्व है? अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले, भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने मांग और कार्तिक के उत्तम व्रतों का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप, नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन कोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते, फिरते, सोते, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उनसे छिपकर कोई उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता, अतः प्रतिदिन का नियम भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर सारा भोजन फिर से हड़प लिया।
इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार उनका कोई भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इससे विष्णुदास को बहुत विस्मय हुआ और वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे यह ना होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ? अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके वे भोजन बनाने के पश्चात कहीं जाकर के छिप कर खड़े हो गए। इतने में उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया जो रसोई का अन्न हर कर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, मुख पर दीनता छा रही थी, शरीर में हाड़ और चाम के सिवाय कुछ भी शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की तरफ देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, यह घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख करके वज्र चंडाल भय के मारे बड़े वेग से वहाँ से भागा और कुछ ही दूरी पर जाकर मूर्छित हो गया। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदनंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वहाँ चांडाल नहीं था, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ ना हो सके तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम जाते देख करके राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया, दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते थे। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निमांकित वचन बोले, भगवान विष्णु आप मुझे मन वाणी शरीर और क्रिया के द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहके वे सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया और उन्हें अपने साथ लेकर बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी बोले, हे राजन, जो विष्णुदास थे वे पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। तो ये था अध्याय 26 व 27। नमो नारायण।